सोमवार को अखिल भारतीय जाट एकता मंच के द्वारा रोहता पर आगरा शहर के नवयुक्त जिला अध्यक्ष गीतम सिंह भगौर को सम्मानित किया गया। सभा की अध्यक्षता कृपालु किनकर महाराज के द्वारा की गई। समाज की गतिविधियों पर बेहतरीन दृष्टिकोण व्यक्त किया गया। विपिन चौधरी एवं प्रकाश जाट ने युवाओं की बदलती हुई सामाजिक स्थिति में उनके योगदान के प्रति जागरूक किया। अजीत सिंह मालन अकोला व अजय चहार ने शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान पर विचार व्यक्त किए। लेफ्टिनेंट श्यामवीर सिंह चहार ने समाज की एकता के लिए विचार व्यक्त किए। धर्मा फौजदार एवं मनजीत सिंह चहार ने मंच का संचालन किया। पुष्पेंद्र पहलवान को युवा मोर्चा से जिला संगठन का मंत्री भी बनाया गया। श्रीचंद चौधरी, सोनू पहलवान, गौरव चौधरी, सुनील फौजदार, शिवम सिंह, रंजीत सिंह, मनोज सिंह, हरीश चहार, रजत भगौर, शिवम भगौर आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। मंच ने आपको आगरा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, तो आपकी तरफ से इनके लिए किस प्रकार के प्रयास रहेंगे? मैं गीतम सिंह, सबसे पहले अखिल भारतीय जाट एकता मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य को सभी को धन्यवाद करता हूं और वंदना करता हूं। इन्होंने एक अपनी समाज के लिए बहुत बढ़िया अलग जगाई है और हमारा मकसद है गांव-गांव जाकर हमारी समाज को जागरूक करना। हम छोटी छोटी लड़ाइयों पर लड़ते हैं, हम मेड़ काटने पर लड़ते हैं, हम छोटे 10,000 रुपये में 5,000 रुपये पर लड़ाई करते हैं, आपस में भाइयों में विवाद होता है। इस विवाद को ख़त्म करने की जागरूकता हमको करनी है और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है और बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे अपनी अखिल भारतीय जाट एकता मंच के तत्वावधान। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी का जिलाध्यक्ष गीतम सिंह ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया, तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने जाटों की हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। वहीं सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को भी स्वागत सम्मान किया गया। हमारा ये अखिल भारतीय जाट एकता मंच का के तत्वाधान में हमारे जिला कमेटी का एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिसमें हमने अपने जिला अध्यक्ष श्री गीतम सिंह भगौर जी का स्वागत भी किया और हम सब लोगों का यहाँ पर परिचय भी हुआ। क्या का उद्देश्य है इस कमेटी में? हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने समाज में जो हमारे व्याप्त कुरीतियाँ हैं इनको दूर करें और समाज के युवाओं को और महिलाओं को और को मार्गदर्शन करें कि वो देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए अपना किस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान वो कर सकते हैं। कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं जिन पर कार्य करेगी कमेटी आपकी? जैसे हमारे समाज में मृत्यु भोज की कुरीति बहुत व्याप्त है और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। गांव में हम पंचायत करके उन्हें समझा भी रहे हैं, तो मृत्यु भोज पर हमारा बहुत ज़्यादा जोर है। इसके अलावा जो हमारे जो युवा हैं उनमें नशा की जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ये हम चाहते हैं कि हमारा जो युवा है वो जागरूक हो और नशे से और इन चीज़ों से दूर रहे, झगड़े फसाद से वो दूर रहे, अपना कैरियर और समाज और देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान में अपनी भूमिका को स्वीकार करें, उसको परिष्कृत करें। या एक उसको क्या एक लाभदायक दिशा में पहुंचा सकें, यही हमारा इसका प्रयास है। अपना परिचय दीजिए, आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम है? ओम प्रकाश, अखिल भारतीय जाट एकता मंच, मैं अलीगढ़ से हूँ और मैं समाज में युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तथा अपने दुश्मन को पहचानने के लिए, इसके साथ ही हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे भाईचारा स्थापित करेंगे, इसके लिए आपसी सद्भाव, महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना,
और दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें भविष्य में कितने सफल होंगे ये समय के गर्त में है और इसको भविष्य के अनुसार ही देखा जाएगा। बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनके जो आक्रामकता है उसको कम करने के प्रयास किए जाएंगे। ये हम लोगों की एक सद्भावपूर्ण कोशिश है। इसमें श्री गीतम भगौर जी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और ये यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं जो अपना कार्य बखूबी करेंगे जिससे समाज को एक दर्शन मिलेगा। इसके लिए इनके प्रयास हमेशा सराहनीय होंगे। परिचय देते हुए और यहाँ आज किस प्रकार का प्रोग्राम है? मेरा नाम श्रीचंद चौधरी है। आज यहाँ पर अखिल भारतीय जाट समाज का एक मीटिंग हुई जिसमें गीतम सिंह भगौर जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि काफ़ी सोशल व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत प्रेरित करते रहते हैं और वो इस काम को बहुत बखूबी आगे ले जाएंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वो पूरी श्रद्धा से काम करते हैं, ये मैं उन्हें बहुत पहले से देखता चला आ रहा हूँ। समाज को क्या अपेक्षाएं रहेंगी उनको? समाज के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए, नई पीढ़ी में नशेबाजी को दूर करने के लिए और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये बहुत ही मेहनत।